इसमें घुस गया था, ये निकलने का जगह नहीं था इसको। शुक्रिया जो आप लोग आए और शाम को पकड़ के लिए। हम लोग को तो बहुत डर लग गया था, खासकर मेरी मम्मी अकेले रहती है, उसके चक्कर में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत और एक बार और फिर से रेस्क्यू करने आए हैं। और ये बाबा धाम एरिया में, बाबा धाम ना, बाबा धाम के पीछे जोरापाली है कि क्या है, सोया नगर, कोया नगर। तो एक बार आज ये अपना नाम बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम आयुष सिंह चौहान है और मैं कोया नगर में रहता हूँ। ये हमारे यहाँ अभी एक धामन साहब घुस गया है, जिसका रेस्क्यू करने के लिए अभी सर हमारे आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, कौन सा सांप है वो निकालते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी बारिश है और काफी पानी लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण सांप का आना लाजमी है। इनके घर में रेस्क्यू हुआ था 2-3 दिन पहले, 2 सांप एक साथ, और आज फिर से है। कहाँ था ये? यही पर था, वहाँ से ऐसे करके आया उस साइड से, फिर घुस गया इसी में, निकल भी नहीं रहा है कहीं, याद नहीं। सीढ़ी टाइप में है क्या कुछ? सीढ़ी टाइप, हाँ लेके आई। सही है सीढ़ी या कुर्सी को निकला उधर। नहीं बहुत मुश्किल में मिला ना ये, इसमें तोड़ना उड़ना पड़ा। इसका चेहरा यहीं पे है, और निकाल दूं क्या ये वाला? अभी निकल जाने। तो दोस्तों, इतना मुश्किल के बाद ये इंडियन रेड स्नेक, और बाकी ये जहरीला नहीं है बिल्कुल, कोई सा भी डर नहीं था, लेकिन इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए निकालना पड़ा इसको। लकड़ी देंगे तो हाँ नहीं, पूरा फंस गया था, इसमें घुस गया था, ये निकलने का जगह नहीं था इसको। छोड़ दूँ? ये कुछ नहीं करता है इसमें। चलिए बाहर निकलते हैं।
ये फंस गया था ना, इसलिए निकल नहीं पा रहा था। वही चला था सीधे, मैं देखती हूँ इधर ऊंधा में। हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है और हिंदी में धामन सांप, अरसड़िया, घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है। ये चूहा खाने वाला सांप है। ये नहीं फंसा रहता तो नहीं निकालते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, ये आसपास होना जरूरी है। जैसे आप लोग का आसपास ये है तो चूहा वहाँ ज्यादा रहते हैं, तो इसको होना जरूरी है कि ये चूहा खाएगा तो दूसरा सांप भी नहीं आ सकते हैं इसके लिए। और ये काफी बड़ा है, लगभग 5 फीट का होगा ही, और ये चूहा आराम से एक दिन में 2 से 3 खा सकता है। तो इसके लिए इससे घबराने का कोई बात नहीं है, ये जहरीला नहीं है। आप लोग बाकी पहचानते हो ये सांप को तो? सबसे ज्यादा ग्रामीण में ये सब जहरीला सांप भी आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये रहेगा तो ठीक रहेगा, ये रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये रहेगा तो बिल्कुल जहरीला नहीं है और ये काटता भी नहीं है, देख सकते हैं। अब काटता तो हर सांप है लेकिन ये जहरीला नहीं है, बिल्कुल काटेगा भी तो कोई वो नहीं है, लेकिन काटता ना के बराबर है। और जबकि बड़ा रहता तो, और छोटा रहते हैं तो छोटा तो चीज काटते ही है, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल नहीं काटता है, बिल्कुल शांत सांप है। और इसको अगल बगल होना जरूरी है, इसलिए इसे किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि खेतों में रहता है ज्यादा ये। और ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। अगर जहरीला सांप निकलते हैं और अगर वो बाइट करते हैं तो उसका एक ही इलाज होता है, स्नेक एंटीवेनम। कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि अभी भी परसों भी एक तमनार से कॉल आया था, वहां पे 2 व्यक्ति का मौत हो गया था। जबकि लेट होगा जितना, अगर कोई भी जहरीला सांप काटता है तो आपके पास 1 घंटे का समय रहता है, 1 से 1.5 घंटे का समय रहता है। तो अपना जिला हॉस्पिटल दूर भी नहीं है, 1/2 घंटा में आदमी पहुंच जाएगा। तो इसके कारण लेट नहीं करना है, कोई भी सांप काटे तो। जहरीला सांप काटता है तो स्नेक एंटीवेनम। अगर ये भी सांप काटा आपको नहीं दिखा तो सीधे जिला हॉस्पिटल ही जाना है। आपको नहीं मालूम है कि ये धामन है या कुछ है तो सीधे जिला हॉस्पिटल ही जाना है। चलिए इसको पैक करते हैं, लाइए ना बोरी, लाइए। ये आराम से 2 से 3 चूहा खा सकता है एक बार में ये। हाँ हाँ, बोरी और बढ़िया नहीं है क्या? तो चलिए दोस्तों इसको रखते हैं, पैक कर देते हैं। दोस्तों हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आइए ले चलते हैं इसको, हेविटेड एरिया में छोड़ देंगे। ये वाला ठीक है, देख रहे हो मुंडी निकाल दे से पत्थर पर। चलिए ठीक है, ठीक ना, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं ना, चूहा खाने वाला है लेकिन। हाँ, तो भैया हमारे टीम के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? रायगढ़ एनिमल सर्वर से स्वागत, सेवर समिति, सेवर समिति से धन्यवाद भैया, आपको बहुत शुक्रिया जो आपने आया और शाम को पकड़ के लिए। हम लोग को तो बहुत डर लग गया था, खासकर मेरी मम्मी अकेले रहती है, उसके चक्कर में हम लोग को और ज्यादा डर लगता है, इसलिए हम लोग सॉरी जो भी हुआ हुआ थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी अब तो डर नहीं लगेगा, नहीं अब डर नहीं लगेगा। धन्यवाद, हम लोग आए, अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इसमें जो जिसके घर भी अगर सांप आप लोग जो भी निकल रहा है सर को इन्फॉर्मेशन दें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।